हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम आपका आपका अपने चैनल क्रिप्टो माचली में। दोस्तों बात करते हैं एलपिनटी टोकन की। जो एलपिन टोकन का जो प्राइस है, करंट प्राइस अगर आप चेक करते हो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, तो एक टोकन का जो प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट $9 के आसपास चल रहा है। हाँ दोस्तों, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इस मंथ काफ़ी बड़ा क्रैश आया है क्रिप्टो कॉइन में, बट अगर आप उनका कंपेयर एलपिनटी से करते हो तो एलपिनटी अभी भी काफ़ी स्टेबल है। एक बार हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम चेक करते हैं, जैसे कि बीएनबी हो गया आपका, तो बीएनबी में भी 30-40% तक का क्रैश आया है। आगे आपका सोल हो गया, डोज हो गया, डोट हो गया, ट्रोन हो गया, तो इनमें भी काफ़ी बड़ा क्रैश आया दोस्तों। आगे शिबेनू हो गया, शिबेनू में तो 50-60% तक का क्रैश आया है। अगर आप इनका कंपेयर एलपिनटी से करते हो तो एलपिनटी फिर भी काफ़ी स्टेबल है इनके मुकाबले। तो अभी एलपिनटी का जो प्राइस है नीचे ना जाने का, वो मेन है कि इसमें जो लोगों ने बाइंग की है काफ़ी अप लेवल के ऊपर की है, जैसे कि $50 के ऊपर बाइंग की है, $60 के ऊपर बाइंग की है, वो लोग तो सेल आउट नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग यहाँ पे आके सेल आउट करते हैं तो उनको काफ़ी बड़ा लॉस है। तो उन लोगों ने अभी इस कॉइन को होल्ड करके रखा है, तो वही रीज़न मेन दोस्तों कि इसका जो प्राइस है अभी काफ़ी स्टेबल है। बाकी दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आने वाले टाइम में जो एलपिनटी का जो प्राइस है शॉर्ट टर्म में कहाँ तक जा सकता है। तो दोस्तों जैसे ही मार्केट में रिकवरी आती है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका जो प्राइस है आने वाले टाइम में आपको $20-25 तक दिखेगा। बट हाँ, कुछ यूट्यूबर हैं वो बोल रहे हैं कि इसका जो प्राइस है आने वाले टाइम में शॉर्ट टर्म में $1000 को टच करेगा। तो दोस्तों वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप इसका जो होल्डिंग पैटर्न है वो चेक करते हो तो इसके जो टोटल जो होल्डर्स हैं वो 13000 के आसपास हैं। और जो एलपिनटी में जो मेरे को सबसे बेकार चीज़ लगती है कि इसके जो होल्डर हैं वो ही उन्हीं के पास सारी स्टेकिंग है। जैसे आपके टॉप 10 होल्डर हो गए, इनके पास 81% है, और जो टॉप 100 होल्डर हैं उनके पास 92% है। तो मतलब कि सिर्फ 8% ही मार्केट में है। तो ये जो लोग होते हैं ना, ये जो इसका जो प्राइस है ऊपर नहीं जाने देंगे। जैसे ही इसका जो प्राइस ऊपर जाने लगेगा तो ये जो लोग हैं ये अपनी जो स्टेकिंग है उसको सेल आउट करते रहेंगे। तो अगर आपने यहाँ पे आके पैसा लगाना है, अगर आप देख रहे हो कि एलपिनटी आपको अभी थोड़े सस्ते दाम में मिल रहा है, तो आप यहाँ पे आके सड़क से अपना जो सारा का सारा पैसा लगा दो, तो ऐसे मत करना दोस्तों। क्योंकि आपको थोड़े दिन पहले एक एग्जांपल मिल चुका है लूना कॉइन का, तो थोड़ा अवेयर रहो, क्योंकि जैसे ही जिस कॉइन के जितने कम होल्डर होते हैं उसमें उतना ही मैनिपुलेट होने की संभावना रहती है, चांसेस रहते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे आके अगर 2-4 कॉइन ले रहे हो तो आपका कुछ बड़ा लॉस नहीं होने वाला है। अगर फ़ायदा हो जाएगा तो आपको 2-4 कॉइन के अंदर ही हो जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आपको ये जो मेरा वीडियो है अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू।